बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स नाउ में। रचिन रविंद्र डेवन कॉनवे की आंधी आई और न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप में सभी टीमों की नींद उड़ाई। जी हाँ, इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से आगाज न्यूजीलैंड की टीम ने किया है, ये सभी टीमों के लिहाज से खतरे की घंटी बज चुकी है। इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ जिस तरीके का प्रदर्शन रचिन रविंद्र डेवन कॉनवे ने किया, ऐसा लग रहा था किसी नॉर्मल टीम के खिलाफ मुकाबला खेल रहे हैं। जिस तरीके से गेंदबाजों की पिटाई कर रहे हैं, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जहां बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ अंदाज में शतक बनाया और इसके अलावा टीम को जबरदस्त तरीके से जीत दिलाया। और इस जीत के साथ ही अगर बात करें, इस वर्ल्ड कप का न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से आगाज किया है और साथ ही रन रेट की अगर बात कर ली जाए, उस मामले में भी न्यूजीलैंड ने बाजी मार ली है। क्या कुछ रहा इस मुकाबले का पूरा लेखा जोखा आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे किस तरीके की पारी रही यहां पर रचिन रविंद्र की। रचिन रविंद्र की आप पारी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, शानदार तरीके से बल्लेबाजी की। वर्ल्ड कप में इनका डेब्यू मुकाबला था, भारतीय मूल के रचिन रविंद्र है, भारत से इनका खास नाता है, इनके पिता जो है वो भारत के थे यानी कि बैंगलोर के रहने वाले, फिर बाद में जाकर न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए थे। लिहाजा इनका नाम भी अगर आप देखिए जिस तरीके का है, रचिन है, रविंद्र है, नाम में भी एक तरीके से एक स्टोरी है इनके नाम में भी। सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बहुत बड़े प्रशंसक थे इनके पिताजी, तो लिहाजा इनका नाम रचिन रविंद्र रख दिया गया। थोड़ा सा उसमें आर और विंद्र जो लास्ट में आता सचिन तेंदुलकर से जुड़ा हुआ, तो इसको लेकर यहाँ पर इनके नाम की कहानी है। लेकिन आप स्कोर बोर्ड इनके देख चुके हैं आपने। इसके अलावा डेवन कॉनवे जो लगातार अच्छे फॉर्म में रहते हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं, उनकी भी शानदार पारी रही जिस तरीके से उन्होंने ये पारी खेली आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करें इंग्लैंड की टीम का, टॉस न्यूजीलैंड ने जीता, पहले गेंदबाजी का करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम की अगर बात कर ली जाए, शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, पहले विकेट गिरे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो इंग्लैंड की टीम ने 282 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। इस दौरान सबसे ज्यादा रन जो रूट ने बनाए, जिन्होंने 77 रनों की पारी खेली 86 गेंदों पर। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर बटलर ने 42 गेंदों पर 43 रन और फिर वहां पर जॉनी बेस्टो ने 33 रनों की पारी खेली। और अगर बात कर ली जाए गेंदबाजी के लिहाज से तो न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 3 विकेट, इसके अलावा अगर आप देखें रचिन रविंद्र ने भी 1 विकेट अपने नाम किए थे, ग्लेन फिलिप्स को भी 2 विकेट मिले थे। जवाब में जब बारी आई रन चेज की, पहला विकेट जरूर जल्दी गिर गया न्यूजीलैंड की टीम का, लेकिन उसके बाद से जो पार्टनरशिप हुई 200 रनों से ऊपर की पार्टनरशिप और मुकाबले को भी खत्म कर दिया। शानदार जीत रही न्यूजीलैंड की टीम का और इसके साथ ही एक आगाज भी शानदार तरीके से है। अब देखते हैं कि आगे मुकाबलों में किस तरीके से बाकी रहता है। न्यूजीलैंड की जीत के साथ आपको क्या लगता है कि टॉप 4 की रेस में न्यूजीलैंड पहुंचने वाली है या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।